हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कृष्णा जूनियर कॉलेज महाबलेश्वर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इस क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखते हैं कि बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए है कि नहीं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ सिक्स्थ एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट के आइटम हम लोग को दिए हुए हैं। तो कौन से आइटम है वो भी देख लेते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल 2019 वेर एज फॉलोज। बिल्डिंग है 18 लाख, फर्नीचर है 7 लाख, बुक्स 5 लाख, बैंक डिपॉजिट 3 लाख, ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7000 एंड बैंक ओवर ड्राफ्ट है 28,500। तो यहाँ पे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, कुछ एसेट्स है उसके अंदर और कुछ लाइबिलिटीज है, बट यहाँ पे कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स हमें कैपिटल फंड फाइंड आउट करना होगा। और कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे इस जगह पे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेता हूँ। तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना लिया है। अब जो आइटम लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी में लिख देंगे और जो एसेट्स है उसको एसेट्स में लिख देंगे। एंड ये तुम लोग का सॉल्यूशन का एक पार्ट है, तो सॉल्यूशन में ये लिखना है। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट हो गया। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये जो कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया होता है वो लिख लेंगे। तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है 23,500। तो ये मेरा आ जाएगा एसेट में। नेक्स्ट फिर और देखते हैं क्या है रिसिप्ट्स में। तो रिसिप्ट्स में यहाँ पे 1819 जो ये भी लास्ट ईयर का है 7,000 रुपीज, तो इसको भी एसेट्स में लिख लेंगे। ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000। देन और कुछ है रिसिप्ट्स में, और कुछ लास्ट ईयर का नहीं दिख रहा है। फिर पेमेंट में देख लेते हैं। पेमेंट में भी और कुछ भी लास्ट ईयर का नहीं है। तो अब आ जाते हैं सिक्स्थ एडजस्टमेंट में। तो सिक्स्थ एडजस्टमेंट में देन दिया हुआ है बिल्डिंग, फिर फर्नीचर, बुक्स, बैंक डिपॉजिट। तो ये सारे एसेट्स हैं, तो इसको मैं साथ में लिख लेता हूँ एसेट में। बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स और 9% बैंक डिपॉजिट, तो ये सारे आ जाएंगे एसेट्स में। फिर उसके बाद है ट्यूशन फीस रिसीवेबल, बट ट्यूशन फीस रिसीवेबल ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, वो मैंने रिसिप्ट से देख के लिख लिया था 7,000। देन बैंक ओवर ड्राफ्ट है, तो बैंक ओवर ड्राफ्ट आ जाएगा मेरा लायबिलिटी में, तो इसको लायबिलिटी में लिख लेते हैं। फिर और कुछ भी है नहीं। तो अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट को हम लोग क्लोज करेंगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा हो जाएगा कैपिटल फंड। तो इसको क्लोज कर लेते हैं। तो पहले डेबिट लाइब्रेरीज का टोटल करेंगे। तो लाइब्रेरीज का टोटल है 28,500 और फिर एसेट्स का टोटल कर लेंगे। तो एसेट का टोटल आ रहा है 33,30,500। तो इसको यहाँ पे मैं नीचे लिख लेता हूँ। फिर जो दोनों में से बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख लेंगे। तो बड़ा अमाउंट है यहाँ पे 33,30,500, तो इसको दोनों साइड लिख लेते हैं 33,30,500। फिर देखेंगे डिफरेंस कहाँ पे। तो यहाँ पे लाइब्रेरीज में डिफरेंस है और डिफरेंस है यहाँ पे 33,02,000 का। तो जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 33,02,000। एंड ये 33,02,000 ये मेरा आ चुका है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कैपिटल फंड, और वो क्या था बैलेंसिंग फिगर मेरा। तो कैपिटल फंड आ गया। तो ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे मैंने बना लिया है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के ये जो लायबिलिटीज वाले आइटम है ये मेरे सॉल्यूशन के लायबिलिटीज में आ जाएंगे, और ये जो एसेट्स वाले आइटम है वो मेरे सॉल्यूशन के एसेट्स में आ जाएंगे। पर सिर्फ ये जो कैश है ये हम लोग लिखते नहीं है, तो इसको मैं क्रॉस कर लेता हूँ। तो लायबिलिटीज में है बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी में आ जाएगा ये। कैपिटल फंड ये भी लायबिलिटी में आएगा, कैश इन हैंड आएगा नहीं। ट्यूशन फीस रिसीवेबल ये आ जाएगा एसेट में, बिल्डिंग भी एसेट में, फर्नीचर भी एसेट में, बुक भी एसेट में, और ये जो 9% बैंक डिपॉजिट है ये भी एसेट में आएगा, बट इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि यहाँ पे 9% दिया हुआ है।
तो 9% बैंक डिपॉजिट को हम लोग टिक कर लेते हैं। इस पे मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, 3 लाख पे 9% मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखते हैं रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट में है पहला कैश, तो कैश तो हम लोग लिखने वाले हैं ही नहीं, तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। नेक्स्ट है ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस हो जाएगा मेरा इनकम। अभी ट्यूशन फीस में 2018-19 का दिया हुआ है और 2019-20 का दिया है, तो ये जो हमारा करेंट ईयर है वो 2020 में खत्म हो रहा है, दैट मीन्स हमारा करेंट ईयर हो जाएगा 1920। तो ये जो 1920 है ये मेरा हो जाएगा करेंट ईयर दैट इज CY, और 18-19 मेरा फिर हो जाएगा लास्ट ईयर दैट इज LY। तो जो लास्ट ईयर का है ये माइनस होगा और ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में से भी माइनस होगा। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में देखो ट्यूशन फीस रिसीवेबल दिख रहा है 7,000 रुपीज़। तो 7,000 रुपीज़ लास्ट ईयर का मुझे लेना बाकी था, बट वो यहाँ पे मुझे मिल चुका है। तो अगर वो मिल चुका है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो इसको मैं टिक कर लेता हूँ ट्यूशन फीस रिसीवेबल को। नेक्स्ट है फाइन कलेक्टेड, तो फाइन कलेक्टेड हो जाएगा मेरा इनकम। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी मेरा इनकम है। एडमिशन फीस, ये भी इनकम है। डोनेशन फॉर प्राइज फंड, तो यहाँ पे लिखा है डोनेशन फॉर प्राइज फंड, तो यहाँ पे कोई पर्पस बताया हुआ है, तो अगर पर्पस बताया हुआ है तो ये मेरा इनकम नहीं होगा, ये मेरा हो जाएगा लाइबिलिटी। अगर यहाँ पे सिर्फ डोनेशन लिखा होता तो ये आता मेरा इनकम में, बट वहाँ पे पर्पस बताया हुआ है इसलिए वो आ जाएगा लाइबिलिटीज में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट ग्रांट भी मेरा हो जाएगा इनकम। फिर और कुछ है नहीं रिसिप्ट्स में। अब पेमेंट देखते हैं, तो पहला है बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट का मैंने पेमेंट किया है। क्यों पेमेंट किया है? क्योंकि देखो यहाँ पे लाइबिलिटी में दिख रहा है मुझको बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 28,500 बाकी था, पे करना बाकी था, तो यहाँ पे मैंने वो पेमेंट कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट का, और पूरा पेमेंट कर दिया है। तो इस बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे इस बैंक ओवरड्राफ्ट में से, तो ये लेस हो जाएगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट में से लेस करना है तो बैंक ओवरड्राफ्ट को टिक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है सैलरी टू टीचर्स, टीचर्स को सैलरी पे किया है, तो ये मेरा हो जाएगा एक्सपेंस। देन सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, ये भी मेरा एक्सपेंस है। बुक्स परचेज किया है, तो बुक्स पहले देखेंगे हम लोग, पहले से हम लोग के पास कोई बुक्स था तो हम लोग के पास यहाँ पे 5 लाख का बुक्स पहले से ही पड़ा हुआ था, पिछले साल का बचा हुआ, और मैंने वापस यहाँ पे बुक्स परचेस किया है, तो ये वाला जो बुक परचेस किया है मैंने वो पहले वाले बुक में ऐड हो जाएगा, तो ये ऐड हो जाएगा पहले वाले बुक में, और ये बुक में ऐड होने वाला है इसलिए बुक को हम लोग टिक भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये मेरा आ जाएगा एक्सपेंस में। ऑफिस रेंट, ये भी एक्सपेंस है। रिपेयर्स भी एक्सपेंस है। स्पोर्ट्स एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस है। फर्नीचर मेरा एसेट है, बट ऑलरेडी देखो यहाँ पे ओपनिंग फर्नीचर मेरे पास था 7 लाख का, फिर मैंने और फर्नीचर परचेस किया है 40,000 का, तो ये जो 40,000 का फर्नीचर मैंने परचेस किया है वो पहले वाले फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, तो फर्नीचर को टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस कैरीड डाउन कैश और बैंक का, कैश इन हैंड है 200 और कैश एट बैंक है 6,800, तो ये दोनों आ जाएगा मेरा एसेट्स में। तो यहाँ पे पोस्टिंग हो गया है, फिर एडजस्टमेंट में देखते क्या है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर द करेंट ईयर 2019-20, ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग ₹10,000। तो करेंट ईयर का ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है, तो जो आउटस्टैंडिंग है ट्यूशन फीस वो ट्यूशन फीस में ऐड हो जाएगा क्योंकि वो करेंट ईयर का है, और दूसरा इफेक्ट इसका ये जो ट्यूशन फीस रिसीवेबल था इसके अंदर ऐड हो जाएगा, तो इसको टिक कर लेते हैं। ट्यूशन फीस रिसीवेबल को टिक हो जाएगा और ट्यूशन फीस को भी टिक होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ट्यूशन फीस का पूरा फॉर्मेट ही बना लेंगे, तो इसको टिक करने की जरूरत नहीं है। तो पहला इफेक्ट आएगा इसका एड में और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा एसेट्स में। नेक्स्ट है 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो ये जो एडमिशन फीस है
उसको हमें यहाँ पे कैपिटलाइज करने बोला है। टोटल एडमिशन फीस है 12,000। उस 12,000 में से पूरा अमाउंट नहीं, सिर्फ 50% अमाउंट, तो 12,000 का 50% आएगा 6,000। तो 6,000 रुपीस मुझे यहाँ पे कैपिटलाइज करना है। तो कैपिटलाइज अगर करना है तो पहले तो उसको एडमिशन फीस में से लेस कर देंगे, और दूसरा इफेक्ट इसका आ जाएगा, कैपिटलाइज करना है मतलब वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो एडमिशन फीस को यहाँ पे टिक कर लेते हैं क्योंकि एडमिशन फीस में से माइनस करना है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर। तो आउटस्टैंडिंग है तो ये ऐड होगा, तो पहला इफेक्ट इसका ऐड कर देंगे ऐड टू सैलरी, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा इसका लायबिलिटी में। तो सैलरी में ऐड होने वाला है, इसके लिए सैलरी को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन बुक्स एट 10% पर एनम एंड फर्नीचर एट 15% पर एनम। तो बुक्स के ऊपर यहाँ पे डेप्रिसिएशन है 10% और फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है 15%। तो पहला इफेक्ट इसका लेस हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका एक्सपेंस में। तो बुक्स में से लेस होने वाला है इसलिए बुक्स को टिक कर लेते हैं, बट ऑलरेडी बुक्स को टिक किया हुआ है तो बुक्स को यहाँ पे 2 टिक हो जाएगा, और फर्नीचर को भी टिक कर लेंगे तो फर्नीचर को भी अगेन टिक किया हुआ है तो फर्नीचर को भी 2 टिक हो जाएगा। एंड इसका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है बुक्स के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर, वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, क्योंकि बुक्स का यहाँ पे 2 बैलेंस, एक तो ओपनिंग है विच इज 5 लाख, और यहाँ पे एडिशनल बुक्स भी परचेस किया हम लोग ने 60,000 का। तो ये जो ओपनिंग है 5 लाख का वो तो मेरे पास स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही था, तो इसके ऊपर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा 10%। बट ये जो बुक्स है ये हम लोग ने परचेस किया है 1 जुलाई को, तो जुलाई से अगर हम लोग काउंट करते हैं मार्च तक तो ये होगा 9 मंथ्स। तो ये जो 60,000 रुपीज है बुक्स का, एडिशनल बुक्स, इसके ऊपर भी 10% डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ 9 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन आएगा। फिर जो फर्नीचर है, फर्नीचर का भी ओपनिंग बैलेंस है 7 लाख, तो इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन आएगा, बट फर्नीचर जो मैंने एडिशनल परचेज किया यहाँ पे 40,000 का, उस 40,000 पे भी 15% डेप्रिसिएशन आएगा, लेकिन सिर्फ ये खरीदा कभी मैंने जैन में, तो जैन फेब मार्च, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन सिर्फ इसके ऊपर आएगा। तो इस बुक के ऊपर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आने वाला है, और इस फर्नीचर के ऊपर सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आने वाला है। तो ये डेप्रिसिएशन अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, और एज अ वर्किंग नोट ये भी तुम लोग को अपने सॉल्यूशन में दिखाना है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो ओपनिंग पे आ जाएगा 5 लाख का 10% इज 50,000, एंड जो परचेस मैंने किया है बुक, तो परचेस किया है 60,000 का, तो 60,000 का 10% निकालेंगे, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आने वाला है, तो ये अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4,500। तो ओपनिंग पे आ गया 50,000 डेप्रिसिएशन और एडिशनल पे आ गया 4,500, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पे 54,500 का। फिर फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, तो फर्नीचर का भी मैंने यहाँ पे लिखाला हुआ है, तो ओपनिंग पे, ओपनिंग था फर्नीचर का 7 लाख, तो 7 लाख का 15% निकालेंगे तो ये आता है 1,05,000, और जो एडिशनल है, जो फर्नीचर मैंने परचेस किया है 40,000 का, इसके ऊपर भी 15% का ही आएगा, लेकिन इस पर सिर्फ 3 मंथ्स का आएगा, तो 3 मंथ्स के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन आ रहा है 1,500। तो यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 1,06,500। तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ग्रांट दिख रहा है 1,73,000, उस 1,73,000 में से मुझको 50% जो गवर्नमेंट ग्रांट है उसको कैपिटलाइज करना है। तो पहले तो गवर्नमेंट ग्रांट में से लेस कर देंगे उसको, और दूसरा इफेक्ट आ जाएगा, कैपिटलाइज करना है मतलब कैपिटल में ऐड हो जाएगा। फिर 6th एडजस्टमेंट में वो बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए थे तो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है। फिर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट।
तो यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है। एक चीज और यहाँ पे तुम लोग को देखना होगा, ये जो 9% बैंक डिपॉजिट था 3 लाख रुपीज, उस 3 लाख पे मुझे 9% इंटरेस्ट भी मिलने वाला है। तो 3 लाख का अगर 9% इंटरेस्ट निकालेंगे तो आता है 27,000। बट उस 27,000 में से अगर हम लोग इनकम में देखेंगे यहाँ पे रिसिप्ट में, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उस बैंक डिपॉजिट पे मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया है, बट मिला कितना है, सिर्फ 25,500। तो टोटल अगर इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग तो टोटल इंटरेस्ट आता है 27,000, बट यहाँ पे इंटरेस्ट मिला है सिर्फ 25,500। डैट मीन्स यहाँ पे 1,500 इंटरेस्ट मिला नहीं है, तो वो है मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं वो एज अ वर्किंग नोट में दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, तो टोटल इंटरेस्ट मिलना चाहिए मुझको 3 लाख का 9% इज 27,000, और उसमें से ऑलरेडी मुझे मिल चुका है 25,500। तो मेरा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 1,500। तो जो आउटस्टैंडिंग है 1,500, उसको बैंक डिपॉजिट में ऐड कर देंगे और दूसरा इफेक्ट आएगा उसका ऐड टू इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट था इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट उसमें ही उसको ऐड भी कर लेंगे। तो इसको टिक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट को टिक आ जाएगा, एंड इसको तो ऑलरेडी टिक किया हुआ था बैंक डिपॉजिट को। तो यहाँ पे पूरा सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लाइब्रेरी में फर्स्ट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड इसको टिक किया हुआ है, तो इसका अमाउंट हम लोग लिख लेंगे लाइब्रेरी में इनर कॉलम में, बैंक ओवरड्राफ्ट इनर कॉलम में 28,500, एंड इसको एक टिक किया था, तो एक टिक किया था मतलब इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड 33,02,000 है, तो कैपिटल फंड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो बस इसका हम लोग को अमाउंट लिख देना है 33,02,000, एंड इसके लिए 4 लाइन हम लोग ने छोड़ दिया है। फिर देखते हैं एसेट्स, तो एसेट में पहला कैश इन हैंड है बट वो तो आएगा नहीं। नेक्स्ट है ट्यूशन फीस रिसीवेबल 7,000, तो ट्यूशन फीस रिसीवेबल को एसेट में लिख लेते हैं, एंड इसको दो टिक किया हुआ है तो इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, और पहले टिक के लिए छोड़ना है एक लाइन और दूसरे टिक के लिए छोड़ना है 2 लाइन। नेक्स्ट है फिर एसेट्स में बिल्डिंग फर्नीचर बुक्स और 9% डिपॉजिट, तो बिल्डिंग को टिक नहीं है, फर्नीचर को दो टिक है, बुक्स को भी दो टिक है, और 9% बैंक डिपॉजिट को एक टिक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, पहला बिल्डिंग है तो बिल्डिंग आ जाएगा एसेट में, अमाउंट आएगा इसका आउटर कॉलम में 18 लैक्स, क्योंकि इसको टिक नहीं किया है। नेक्स्ट था फर्नीचर, तो फर्नीचर भी आ जाएगा एसेट में बट इसको दो टिक किया था, तो पहले टिक के लिए हम लोग छोड़ेंगे एक लाइन और दूसरे टिक के लिए छोड़ेंगे 2 लाइन। नेक्स्ट है बुक्स, बुक्स को भी दो टिक किया हुआ था तो इसको भी इनर कॉलम में लिखना है, अब पहले टिक के लिए छोड़ना है एक लाइन और दूसरे टिक के लिए छोड़ना है 2 लाइन। नेक्स्ट है बैंक डिपॉजिट था, तो बैंक डिपॉजिट भी आ जाएगा इनर कॉलम में 3 लाख, एंड इसको एक टिक किया है तो इसके लिए भी एक लाइन छोड़ देंगे। द नेक्स्ट है, तो यहाँ पे एसेट्स भी मेरा हो चुका है, तो बैलेंस शीट पूरा हो गया है। अब हम लोग करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो उसमें पहले रिसिप्ट देखते हैं। तो रिसिप्ट में पहला दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज कैश, तो वो तो हमें लिखना नहीं है। नेक्स्ट है ट्यूशन फीस, तो ट्यूशन फीस का टोटल अमाउंट है 77,000, तो हमें कभी भी टोटल लिखना होता है तो टोटल लिख लेते हैं ट्यूशन फीस का। तो ट्यूशन फीस का मैंने पूरा फॉर्मेट ही यहाँ पे बना लिया है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्यूशन फीस का फॉर्मेट बनाया, तो इसका अमाउंट लिख लेते हैं 77,000। फिर उसमें उस 77,000 में से लास्ट ईयर का है 7,000, तो जो लास्ट ईयर का 7,000 है इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे लास्ट ईयर का माइनस कर लेते हैं, ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट में लिखा हुआ है, लास्ट ईयर का माइनस कर देना है 7,000, और दूसरा इफेक्ट इसका लास्ट ईयर में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्यूशन फीस रिसीवेबल दिख रहा है 7,000, बट ये 7,000 मुझे यहाँ पे मिल चुका है, तो मिल चुका है तो इसमें से माइनस कर देंगे, पूरा 7,000 मिल गया है।
तो ये बचेगा जीरो। नेक्स्ट है फाइन कलेक्टेड, तो फाइन कलेक्टेड आ जाएगा मेरा इनकम में, एंड इसको टिक नहीं किया था तो इसका अमाउंट मैंने लिख दिया आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये भी आएगा इनकम में एंड इसको टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में। बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनर कॉलम में 25,500, एंड एक टिक था इसको तो इसके लिए एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है एडमिशन फीस, एडमिशन फीस भी आएगा इनकम में, अमाउंट है 12,000 एंड इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी आएगा इनर कॉलम में, एंड एक टिक किया हुआ है तो इसके लिए भी एक लाइन छोड़ेंगे। नेक्स्ट है डोनेशन फॉर प्राइज फंड, तो डोनेशन फॉर प्राइज फंड यहाँ पे पर्पस बताया हुआ है, डैट मीन्स ये आ जाएगा मेरा लाइबिलिटीज में, तो डोनेशन फॉर प्राइज फंड इसको लिख लेते हैं लाइबिलिटी में। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ग्रांट, तो गवर्नमेंट ग्रांट आ जाएगा मेरा इनकम में एंड इसको भी टिक किया हुआ है तो इसका अमाउंट भी हम लोग लिख लेंगे इनर कॉलम में और एक लाइन छोड़ देना इसके लिए भी। द नेक्स्ट है तो रिसिप्ट से यहाँ पे पूरा मेरा हो गया। पेमेंट साइड देखते हैं तो पेमेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे मैंने पे कर दिया है तो इसको बैंक ओवरड्राफ्ट में से माइनस कर देंगे, तो बाकी था यहाँ पे 28,500 और वो पूरा मैंने पे कर दिया तो यहाँ पे बचा कुछ नहीं, तो आउटर कॉलम में डैश आ जाएगा। नेक्स्ट है सैलरीज टू टीचर, सैलरीज टू टीचर मेरा एक्सपेंस है तो इसको एक्सपेंस में लिख लेते हैं एंड इसको टिक किया हुआ था तो इसका अमाउंट आ जाएगा इनर कॉलम में और एक टिक है तो एक लाइन छोड़ देंगे। नेक्स्ट है फिर सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, ये आएगा मेरा एक्सपेंस में, सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ इसको टिक नहीं किया था तो इसका अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है बुक्स परचेस, बुक्स यहाँ पे मैंने परचेस किया है तो पहले वाले बुक्स में इसको ऐड कर देंगे, तो पहले से मेरे पास बुक्स था 5 लाख का, फिर मैंने और बुक परचेस किया 60,000 का, तो टोटल मेरे पास बुक हो गया 5,60,000 का। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस रेंट रिपेयर्स स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस और एनुअल गैदरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंस है तो इसको साथ में मैं एक्सपेंसेस में लिख लेता हूँ और किसी को भी टिक नहीं किया था तो सबका अमाउंट आ गया आउटर कॉलम में। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर फर्नीचर में ऐड हो जाएगा तो ऑलरेडी मेरे पास फर्नीचर था 7 लाख का और मैंने 40,000 का फर्नीचर परचेस किया है तो अब टोटल मेरे पास 7,40,000 का फर्नीचर हो गया। नेक्स्ट है कैश इन हैंड और कैशर्ड बैंक, ये आ जाएगा एसेट्स में, तो कैश इन हैंड और कैशर्ड बैंक को एसेट में लिख लेते हैं एंड दोनों को टिक नहीं किया था तो दोनों का अमाउंट आ जाएगा आउटर कॉलम में। तो यहाँ पे मेरा सारा पोस्टिंग हो गया है, अब एडजस्टमेंट देखते हैं। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट है फॉर द करेंट ईयर 2019-20 ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग ₹10,000, ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है तो पहला इफेक्ट इसका हो जाएगा ऐड टू ट्यूशन फीस, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ट्यूशन फीस का फॉर्मेट तो यहाँ पे बस मुझे इसका अमाउंट लिख देना है। तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो अब इसका टोटल भी कर लेते हैं तो इसका टोटल हो जाएगा 80,000। फिर जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसका दूसरा इफेक्ट आएगा एसेट में, बट एसेट में ऑलरेडी ट्यूशन फीस रिसीवेबल मैंने लिखा हुआ है तो यहाँ पे बस करेंट ईयर डाल के इसका अमाउंट लिख लेना है। तो ऐड आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का 10,000, तो टोटल भी हो गया 10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 50% एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, तो क्या एडमिशन फीस को यहाँ पे कैपिटलाइज करना करने बोला है सिर्फ 50%, तो टोटल एडमिशन फीस है यहाँ पे 12,000 जिसमें से 50% कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब 6,000 कैपिटलाइज हो जाएगा, तो कैपिटलाइज हो जाएगा मतलब वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा तो इसको कैपिटल में ऐड कर लेते हैं तो दूसरा इफेक्ट भी हो गया। नेक्स्ट है फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर आर ₹12,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में ऐड हो जाएगा, इसको सैलरी में ऐड कर लेते हैं तो टोटल हो गया ये 2,12,000,
और आउटस्टैंडिंग का दूसरा इफेक्ट आ जाएगा लाइबिलिटी में, तो दूसरा इफेक्ट लाइबिलिटी में लिख लेते हैं आउटर कॉलम में 12,000। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन है फिर बुक्स के ऊपर 10% और फर्नीचर के ऊपर 15%। और डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था यहाँ पे वर्किंग नोट में। बुक्स के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन है 54,500 और फर्नीचर के ऊपर है 1,06,500। तो इसको माइनस कर लेते हैं, पहले फर्नीचर में से माइनस कर लेंगे, तो फर्नीचर में से माइनस हो जाएगा 1,06,500, तो ये बचेगा 6,33,500। फिर बुक में से भी माइनस कर लेते हैं, तो बुक में से माइनस हो जाएगा 54,500, तो ये हो जाएगा 5,05,500। फिर इसका दूसरा इफेक्ट आता है एक्सपेंस में, तो दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस में भी डाल देते हैं। बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन था 54,500 और फर्नीचर के ऊपर 1,06,500, तो टोटल हो गया 1,61,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 50% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो यहाँ पे 50% गवर्नमेंट ग्रांट को कैपिटलाइज करने बोला है, तो गवर्नमेंट ग्रांट में से 50% माइनस कर देंगे और उसको कैपिटलाइज करना है, मतलब वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो इसका भी दोनों इफेक्ट हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट सिक्स्थ एडजस्टमेंट में ये तो बैलेंस शीट के आइटम्स दिए हुए थे तो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, फिर यहाँ पे कुछ है नहीं। बैंक डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट था उसका एडजस्टमेंट बाकी है, तो बैंक डिपॉजिट पे टोटल इंटरेस्ट बाकी था 1,500 और उसका पहला इफेक्ट होगा ऐड टू बैंक डिपॉजिट। तो पहला इफेक्ट इसका बैंक डिपॉजिट में ऐड हो जाएगा और दूसरा इफेक्ट आएगा ऐड टू इंटरेस्ट। तो बैंक डिपॉजिट में पहले ऐड कर लेते हैं, बैंक डिपॉजिट में ऐड हो गया 1,500, तो ये हो गया 3,01,500 और दूसरा इफेक्ट इसका इंटरेस्ट में फिर ऐड हो जाएगा, तो इंटरेस्ट में भी ऐड कर लेते हैं 1,500, तो ये हो जाएगा 27,000। तो यहाँ पे मेरा सारा एडजस्टमेंट पोस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। अब अकाउंट को क्लोज कर लेंगे, तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो पहले एक्सपेंडिचर का टोटल देखते हैं कितना है। तो एक्सपेंडिचर का टोटल आ रहा है 4,42,500, तो यहाँ पे मैं पेंसिल से लिख लूंगा 4,42,500। फिर इनकम का टोटल देखते हैं, तो इनकम का टोटल आ रहा है 2,03,500, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2,03,500। तो यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है, तो पहले जो बड़ा अमाउंट है उसको दोनों साइड लिख लेते हैं। तो जो बड़ा अमाउंट है उसको मैंने दोनों साइड लिख लिया और डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे इनकम में, क्योंकि एक्सपेंस ज़्यादा है इनकम से, तो यहाँ पे मेरा लॉस हो गया। बट यहाँ पे एनपीओ में इसको लॉस नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं डेफिसिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे बाय डेफिसिट, तो बैलेंसिंग फिगर आया 2,39,000। जब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2,39,000। तो ये मेरा आ गया डेफिसिट। फिर डेफिसिट को हम कैपिटल में से लेस करेंगे, अगर सरप्लस होता तो ऐड करते बट ये डेफिसिट है इसलिए इसको लेस कर देंगे। फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज का टोटल करते हैं, तो लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है 32,57,500, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे। एंड एसेट्स का टोटल करते हैं, तो एसेट्स का टोटल भी वही आना चाहिए, तो एसेट्स का टोटल भी वही आ रहा है 32,57,500, तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं 32,57,500। तो यहाँ पे मेरा सम टैली हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 11। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।